तो कहिए दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम आपका अपने YouTube चैनल इतिहास की आवाज़ पर स्वागत करते हैं। मैं हूँ चौधरी बिलाल। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे कि जो कि एक अहम विशेष है। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। आपने थंबनेल के अंदर भी पढ़ लिया होगा, सिख धर्म के अंदर बोला जाने वाला जो बोले सो निहाल। यह इसका अर्थ क्या है, यह वाक्य क्यों बोला जाता है? इसलिए हमारे अधिकांश मित्रों व साथियों को यह नहीं मालूम। हम ऐसे ही कस्बे व ज़िले के इतिहास से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपने भी अपने कस्बे व इतिहास से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अपने ज़िले का नाम लिखें, अपने कस्बे का नाम लिखें और बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत से हमारे साथी यह समझते हैं कि शायद कोई नारा है। देखिए, ये नारा तो बिल्कुल है, और ये नारा किसने लगाया था? सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनको दशमेश बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ये नारा लगाया था। लेकिन इसका अर्थ है सत श्री अकाल। इसको सिख लोग एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं, सत श्री अकाल। एक सिख दूसरे सिख से कह दे कि जो बोले सो निहाल, तब भी इसका अर्थ यही हुआ। और यदि सत श्री अकाल कह दे तो तब भी इसका अर्थ जो बोले सोनियाल ही हुआ। आज जो बोले सोनिहाल को छोड़कर सत श्री अकाल कहा जाता है। जो बोले सोनिहाल का अर्थ है सत श्री अकाल, और सत श्री अकाल का अर्थ है ईश्वर ही अंतिम सत्य है। इसका अर्थ है ईश्वर ही अंतिम सत्य है, यानी कि खुदा ही एक सच्चे है। तो इसका अर्थ यह बनता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये क्यों बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है, और ये किन्होंने चलाया था। यह सिखों के 10वें गुरु दशमेश, जिनको बोला जाता है गुरु गोविंद सिंह, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन्होंने ये नारा लगाया था, उन्होंने ये बात कही थी। तो मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।